तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे कि थर्मोकपल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और उसके बाद देखेंगे कि ये थर्मोकपल कैसे वर्क करता है, और उसके बाद देखेंगे कि थर्मोकपल कितने टाइप्स का होता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज ऑल अबाउट थर्मोकपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग थर्मोकपल के बारे में डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की मदद से अच्छे से डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस थर्मोकपल का मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये थर्मोकपल जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है। पहला है थर्मो, जिसका मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब हम लोग हीट से लेते हैं, हीट। और कपल का मतलब क्या होता है, कपल। कोई अगर शादी का जोड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। तो कपल का मतलब आप पेयर लिख सकते हैं या जुड़वा दो लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारा थर्मोकपल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पेयर, ये किस चीज़ का पेयर, तो दो डिसिमिलर मेटल, यानी कि ऐसा मेटल जो कि दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, वो डिसिमिलर होना चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि एक जो हमारा मेटल है वो क्या है, रेड कलर का है, और एक क्या है हमारा, ब्लू कलर का है। तो मान लीजिए कि जो हमारा रेड वाला जो मेटल है ये किस चीज़ का है, तो ये मान लीजिए क्रोमेल का है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये क्रोमेल है और ये क्या है, एलुमेल है। यानी कि हमारा क्रोमेल और एलुमेल, हमने दो मेटेरियल ले रखा है, दो मेटल ले रखा है, और इसको क्या किया है, एक एंड पे जोड़ दिया है। तो देखिए, यहाँ पे जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि थर्मोकपल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। यानी कि थर्मोकपल एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है जिसके अंदर दो डिसिमिलर मेटल होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, एक हमारा क्रोमेल है, दूसरा एलोमेल है, और इस दो डिसिमिलर मेटल को हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि एक एंड को जोड़ देते हैं। तो जिस एंड पे जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। और इस थर्मोकपल में जो डिसिमिलर मेटल है उसका दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्री होता है, और यहाँ पे एक कनेक्शन है, और इस फ्री एंड में जो दोनों वायर है इसको हम लोग एक सेम वायर से कनेक्ट कर देते हैं, किससे, तो वोल्ट मीटर से। ये क्या है हमारा, वोल्ट मीटर है। ये क्या दिखाएगा, इसके अंदर कितना मिली वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो दिखाएगा। तो ये मान लीजिए हमारा कॉपर का वायर है, ये भी क्या है हमारा, कॉपर वायर है, मान के चलते हैं। और ये क्या हमारा क्रोमेल है, ये एलोमेल है। थर्मोकपल में एक एंड जो है वो जुड़ा रहता है, दूसरा एंड जो है वो फ्री रहता है, और इसका फ्री एंड जो है वो वायर से कनेक्ट रहता है, और ये हमारा वोल्टमीटर से कनेक्ट रहता है ये वायर। यानी कि हमारा फ्री एंड जो है वो एक वायर के थ्रू वोल्टमीटर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, हीट का। तो एक एंड को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या दिया, हीट दिया, तो ये क्या होगा, मेटल गर्म होने लगेगा। और हम लोग जानते हैं कि ये डिसिमिलर मेटल है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मतलब स्ट्रक्चर होगा वो कुछ और होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ और होगा। तो इसको आगे समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो थर्मोकपल है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो देखिए, ये जो हमारा थर्मोकपल है ये हमारा सी बैक इफेक्ट पे काम करता है, सी बैक इफेक्ट। तो देखिए, सी बैक इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब दो डिसिमिलर मेटल को, हमारे पास क्या है, मान लीजिए दो डिसिमिलर मेटल है, दो डिसिमिलर मेटल को जब हम लोग एक एंड पे हीट करते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, और जब हम लोग इसके अंदर वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो इसके अंदर हमें मिली वोल्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, सी बैक इफेक्ट के लिए हम लोग डिटेल से डिस्कस किए थे, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा।
तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे ही दो डिसिमिलर मेटल को हम लोग जोड़ देते हैं तो एक हमारा ये एंड हो जाता है, दूसरा ये एंड होता है, इसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन वन और ये जंक्शन टू हो जाता है। तो जहाँ पे भी हम लोग हीट करते हैं वो हॉट जंक्शन बोला जाता है और जहाँ पे हीट नहीं करते हैं ये क्या होता है, कोल्ड जंक्शन होता है। और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज का जनरेशन होता है, यानी कि हमारा यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाता है, तो करंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे करंट में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारा जो क्रोमेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये जो जब हम लोग किसी मेटल को हीट करेंगे तो उसका जो हीट है वो क्या होगा, एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ मूव करेगा, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग हीट करेंगे तो ये धीरे धीरे मेटल क्या होगा, इधर तक क्या होगा, इसका हीट जो है वो ट्रांसफर होगा। यानी कि मान लीजिए कि अभी हम लोग यहाँ पे इस मेटल को पकड़े हैं और इधर अभी हीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हीट करेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मेटल है ये भी गर्म होने लगा। लेकिन गर्म कहाँ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी गर्म होने लगेगा। ये क्यों होता है, इसका रीजन होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है ठंडा की तरफ, है ना। हमारा जो हॉट एंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेगा, ठंडे की तरफ मूव करेगा। तो हमारा जो पहले से इलेक्ट्रॉन इधर है, अब इलेक्ट्रॉन इधर, और इधर वाला भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हुए इधर की तरफ आ रहा है। सिमिलरली हमारा जो एलोमेल है इसके अंदर भी जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होगा, यहाँ तक ऐसे करके मूव करेगा और देखेंगे कि हमारा इस एंड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि दो डिसिमिलर मेटल है तो इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूव करने का जो वे है वो डिफरेंट होता है दोनों का, क्योंकि दोनों का जो मेटल का प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होता है। तो हम लोग सेम टेम्परेचर से जब हीट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कम मूव करेगा, यानी कि यहाँ से ट्रांसफर कम होगा। और इस एलुमिनियम में देखा जाता है कि इसमें जब सेम टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि इस एंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी कि ये क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है इसका मतलब कि ये क्या है, पॉजिटिव एंड है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा ये वाला जंक्शन है जहां पे हीट करते हैं इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हॉट जंक्शन बोल देंगे, और यहां पे हमारा फ्री एंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोल्ड जंक्शन, या जंक्शन तो नहीं है, रेफरेंस पॉइंट हम लोग इसको बोलते हैं, क्या है, रेफरेंस पॉइंट या कोल्ड पॉइंट बोल सकते हैं, कोल्ड एंड बोल सकते हैं। ये हॉट एंड हो गया, ये कोल्ड एंड हो गया, ये क्या है, हमारा जुड़ा हुआ है, ये हमारा फ्री एंड है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग हीट किए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोवाइड किए, यानी कि क्रोमेल जो है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस से हीट हो रहा है, एलोमेल जो है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस से हीट हो रहा है, और हीट जो है वो समान इसमें ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, फ्री एंड के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है, तो इस मेटेरियल जो हमारा मेटल है उसका कंस्ट्रक्शन, उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या है, इंटरनल मॉलिक्यूल्स का जो बनावट है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये माइनस, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो वो क्या है, निगेटिव दिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन कम है तो वो क्या है, पॉजिटिव दिखाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव आ गया। तो जैसे ही हम लोग इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या दिखाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिखा देगा, मिली वोल्ट दिखा देगा, यानी कि जैसे ही हाई टेम्परेचर करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन मूव करने का जो टेंडेंसी है वो कुछ और रहेगा, और यहाँ पे जो है वो कुछ और होगा, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन होगा, यहाँ पे कम होगा। तो जहाँ पे भी प्लस माइनस रहेगा वहाँ पे क्या है, हमारा
प्लस माइनस का मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे हमें मिली वोल्ट दिखा देगा। तो जैसे जैसे हमारा ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो हमारा मिली वोल्ट है वो भी हमारा क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस जो हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट और यहाँ का जो पॉइंट का बीच का जो डिफरेंस है, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, तो हमारा मिली वोल्ट के प्रोपोर्शनल है। और ये जो मिली वोल्ट है वो डायरेक्टली हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, तो हमारा टेम्परेचर। यानी कि हमारा अगर मिली वोल्ट बढ़ रहा है यानी कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मिली वोल्ट घटेगा तो हमारा टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सी बैक इफेक्ट में पहले बताया गया था कि जैसे ही हमारा दो डिसिमिलर मेटल का अगर एक एंड को हॉट कर दें दूसरे कोल्ड रहेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक वोल्टेज दिखता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक वोल्टेज का जनरेशन होता है। तो यही प्रिंसिपल हमारा ये थर्मोकपल में अप्लाई किया गया कि एक एंड को जोड़ दिया गया, दूसरे एंड को फ्री कर दिया गया, तो जैसे ही हम लोग इसको करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है अपने डिफरेंट वे से। तो देखा जाता है कि एक जो वायर है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखता है और दूसरे में कम दिखता है। तो इसको जब हम लोग वायर्स कनेक्ट करके वोल्टमीटर से देखते हैं तो हमें मिली वोल्ट मिल जाता है, और ये जो मिली वोल्ट है डायरेक्टली हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि जितना हमारा मिली वोल्ट ज़्यादा आएगा उतना हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना ये कम दिखाएगा उतना ये टेम्परेचर कम होगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली इस इक्विपमेंट की वजह से कहीं भी टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग किसी फर्नेस के अंदर डाल दिया और फर्नेस के अंदर 1000 टेम्परेचर है, तो 1000 टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे उतना मिली वोल्ट होगा, और इसको हम लोग डायरेक्टली मिली वोल्ट को फिर से हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग सिस्टम से हम लोग फिर से इसको अगर डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो डिजिटल में कन्वर्ट कर लीजिए, या डेस्क में दिखना है तो इसको डेस्क में आउटपुट लेकर के हम लोग 420 मिली एम्स जो भी मिलेगा इसको एम्पलीफाई करके हम लोग फिर से फर्दर अपना जिसमें भी कन्वर्ट करके देखना है वो हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखा जाता है कि हम लोग डायरेक्टली दो डिसिमिलर मेटल की मदद से हम लोग टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो ये जो दो डिसिमिलर मेटल होता है इसका टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग इसका जो मटेरियल है वो चेंज होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग क्रोमेल और एलोमेल लिए हैं, तो ये जो है वो इस टाइप का जो थर्मोकपल होता है उसको हम लोग बोलते हैं के टाइप। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थर्मोकपल जो है वो कितने टाइप का होता है। तो ये जो हमारा के टाइप का जो थर्मोकपल है इसका जो रेंज होता है वो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1260 या कभी कभी 1300 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। तो देखिए इस टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के हमारा थर्मोकपल इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना दिया है, जैसे कि पहला है हमारा जे टाइप जिसका रेंज है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 760 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है वहाँ पे हमारा जो थर्मोकपल है वो जे टाइप का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1260 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर करना है वहाँ पे हम लोग के टाइप यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारा थर्ड है ई टाइप, वहाँ पे चौथा है आपको टी टाइप, और पांचवा आपको दिख रहा है आर एंड एस टाइप। और भी होता है जैसे 6 नंबर में हमारा टाइप बी का होता है जिसमें हमारा जो टेम्परेचर रेंज होता है थोड़ा और बढ़ जाता है। तो जैसे कि जे टाइप का जो हमारा थर्मोकपल है यहाँ पे हमारा कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, तो आयरन कॉन्स्टेंटन। तो यहाँ पे जो हम लोग एलुमेल क्रोमेल लिए हैं तो यहाँ पे हमारा आयरन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा दूसरा मटेरियल क्या रहेगा, कॉन्स्टेंटन रहेगा। सिमिलरली के टाइप में आप देख रहे हैं क्रोमेल एलुमेल है, तो ये जो हमारा टाइप है वो क्या है, क्रोमेल एलुमेल का है। ई टाइप का अगर आपका थर्मोकपल है तो उसमें जो हमारा मटेरियल होगा एक हमारा क्या रहेगा, क्रोमेल रहेगा और दूसरा कॉन्स्टेंटन होगा। वही टी टाइप में देखा जाए तो इसका जो टेम्परेचर रेंज है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 370 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो कॉपर, यानी कि एक मटेरियल हमारा कॉपर का रहेगा, दूसरा हमारा जो मेटल रहेगा वो कॉन्स्टेंटन का रहेगा। सिमिलरली अगर हमारा आर एंड एस टाइप का रहेगा इसका टेम्परेचर रेंज देख लीजिए कितना ज़्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1768 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोई बहुत बड़ा फर्नेस है जहाँ पे हाई टेम्परेचर वहाँ पे जनरेट हो रहा है, यानी कि हमारा टेम्परेचर वहाँ पे 1500-1600 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे हम लोग आर एंड एस टाइप का जो थर्मोकपल है वो यूज़ करेंगे, जो कि प्लैटिनम और रोडियम
एलॉय का बना हुआ रहता है, और जो हमारा बी टाइप है इसका भी टेम्परेचर रेंज जो है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, मतलब 1850 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और उसका जो मटेरियल होता है वो भी प्लैटिनम और रोडियम एलॉय का होता है। तो इस तरह से हमारा इधर मटेरियल हो गया कि कौन कौन सा डिसिमिलर मेटल हमारा रहता है और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो होता है। तो ये जो हमारा मटेरियल है वो जो मटेरियल है वो सिलेक्शन होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उस टेम्परेचर पे कितना यहाँ पे मूव करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो सीबैक इफेक्ट पे करता है, और ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।